हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्मार्ट साइंस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 97 से क्वेश्चन नंबर 120 तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो आपको पता है कि यहाँ पर एंजाइम की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं? एंजाइम की। और पेप्सिन एक एंजाइम है, रेनिन एक एंजाइम है और एमिलाप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन से जो कि लेगर हेंस्की दीपिकाओं से निकलता है। अग्नाशय के अंदर तीन प्रकार की सेल होती है, अल्फा, बीटा और गामा। जो बीटा सेल होती है वहाँ से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है जो ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये बहुत ही रिजनेबल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता भी है इसके बारे में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम विकास का सिद्धांत, प्राकृतिक चयनवाद, इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। परंतु एग्ज़ाम की दृष्टि से विकास का सिद्धांत और प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। चलिए, इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो आपको पता है कि मानव शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी होती है वो होती है जांग की हड्डी। जांग को हम उरु भी कहते हैं, और जिसका नाम क्या है? फीमर। जिसका नाम क्या है? फीमर है। और हमारे शरीर की, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है कान की हड्डी, और जिसका नाम होता है स्टेपीज। ठीक है, और स्टेपीज कान की सबसे छोटी हड्डी है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। और फीमर कहाँ स्थित होती है? जांग में, जिसको आप उरु भी कहते हैं। और स्टेपीज कहाँ की हड्डी है? ये है कान की हड्डी। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन टू बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसलों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आप सभी को पता है कि जो सोयाबीन है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, या 40% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। इसमें 40% प्रोटीन पाया जाता है, 20 से 23% वसा पाया जाता है, और 30% जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन चलता है सोयाबीन के अंदर। परंतु क्वेश्चन को देखा जाए तो प्रोटीन के बारे में पूछ रखा है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाइना, जिसे चीन कहा जाता है। तो निमोनिया का जो नया रूप है सार्स, चीन से शुरू हुआ है। निमोनिया फेफड़ों का रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बने कि जो निमोनिया है वह जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। उस जीवाणु का नाम भी है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनी। तो ये जीवाणु का नाम हो गया। और इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। और जो सार्स का पूरा नाम पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सार का पूरा नाम क्या होता है। होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी, सिंड्रोम, सिंड्रोम। ठीक है, चलिए ये होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, मानव में कशेरुकियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव में कशेरुकियों की कुल संख्या होती है 33। परंतु यदि वयस्क अवस्था में मानव में पूछे जाए कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 26 वयस्क में। ठीक है, और ये होती है बच्चों में। ठीक है, अगर केवल मानव में आए और यहाँ पर 26 और 33 ऑप्शन दोनों दे रखे, तो आपको उस हिसाब से 33 क्लिक करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन
ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? तो आप सभी को पता है 65% ऑक्सीजन हमारे शरीर में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? वैसे नवजात शिशु को जन्म लेने के तत्काल BCG का टीका लगाया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, परंतु 12 माह के अंदर भी लगा सकते हैं, परंतु जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ते जाता है उस टीके का प्रभाव कम हो जाता है, या 12 माह के बाद उस टीके का लगाना कोई किफ़ायतीमंद या लाभदायक नहीं होता। इसलिए जन्म के तुरंत बाद, जन्म के तत्काल ही हम BCG का टीका लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। घोड़े और गधे में या घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि उसे खच्चर कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका, ग्लाउकोमा ग्लूकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो आप सभी को पता है कि ग्लाउकोमा या ग्लूकोमा एक प्रकार का नेत्र का रोग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट। आप सभी को पता है कि नॉर्मली आप पानी की टंकियों में हरे कलर की शैवाल को देखते हैं, अगर उसको ख़त्म करना है तो कॉपर सल्फेट का उपयोग हम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 108। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। यह एक प्रकार का जल प्रदूषक है, यानी यदि आप जल शुद्ध नहीं पियेंगे, प्रदूषक पियेंगे, तो आपको किडनी का रोग हो सकता है, और किडनी का रोग मुख्यतः जल में उपस्थित कैडमियम की वजह से होता है। जो समुद्र जंतु होते हैं उनकी मृत्यु का कारण भी कैडमियम ही होता है, और कैडमियम के कारण ही इटाई इटाई रोग भी होता है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न है 109। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी कमी कारण होता है? डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, अर्थात शरीर में यदि जल की कमी हो जाएगी उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने DNA का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया है? तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन है DNA का पात्र विश्लेषण। तो यहाँ पर DNA का पात्र विश्लेषण सर्वप्रथम आर्थर कोनवर्ग ने किया था, और डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था सन 1953 में, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो यहाँ पर फिर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पूछा है सबसे छोटी जीवित कोशिका। अगर जीवित कोशिका की पूछे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 कवक द्रव्य बिल्कुल सही हो जाएगा, और पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो बैक्टीरिया सही हो जाएगा। पर क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जम्भाई आती है, यानी जम्भाई को सामान्य भाषा में उबासी कहा जाता है, तो कब आती है? जब रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तब जम्भाई आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण जम्भाई आती है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र हो तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? ये कई एग्जामों में पूछा गया, यह जानकारी स्टारफिश के बारे में है। तो स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का एक प्राणी होता है, इसमें मस्तिष्क नहीं होता परंतु नर्वस सिस्टम या स्नायु तंत्र पाया जाता है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 113 का स्टारफिश बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा होता है? रक्त स्कंदन को बोलते हैं खून का थक्का, यानी ब्लड कोएगुलेशन। आपको पता है रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, विटामिन के ब्लड को गाढ़ा करके रखता है। चलिए इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इसका जो विटामिन के का नाम होता है वह होता है फिलोक्विनोन, और यह एक रक्त स्त्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में यदि इस विटामिन की कमी हो जाए तो ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का, रक्त स्कंदन नहीं होता है या बहुत धीरे धीरे होता है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 115, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है। तो यानी यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर कौन सी चीज़ नहीं होना चाहिए, तो वो होता है कीटोन काई। नॉर्मली हम यूरिया निकालते हैं और 24 घंटे में हम लगभग 20 से 25% यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। और यदि मूत्र के अंदर कीटोन काई की उपस्थिति है तो कहीं ना कहीं यह प्री डायबिटीज के लक्षण दिखाती है। इस हिसाब से कीटोन काई, कीटोन निकाई, कीटोन बॉडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षी को बोला जाता है एंटीबॉडी पैदा करती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे तो वह होगी लसिका या लिम्फोसाइट्स। जब मैंने WBC पढ़ाया था तो उसमें एक ग्रेनुलोसाइट और एक एग्रेनुलोसाइट पढ़ाया था, अकणिका अणु और कणयुक्त अणु। तो जो अकणिका अणु होता है जिसको आप एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, उसका जो थर्ड हिस्सा होता है वो होता है लिम्फोसाइट्स, और ये शरीर में एंटीबॉडी बनाती है और शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रक्त में या रक्त के स्कंदन क्लोटिंग में मदद करने वाला विटामिन। क्वेश्चन की पुनरावृत्ति हुई है, इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन फोर्थ यानी विटामिन के बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या हो जाती, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वायुमंडल दाब कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी हमारे शरीर में RBCs की संख्या बढ़ने लगती है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन परख नली के अंदर होता है और डेवलपमेंट गर्भाशय के अंदर होता है। इस हिसाब से ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा है पात्र निषेचन यानी पात्र यानी परख नली के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण यानी फिर बाद में गर्भाशय के अंदर प्रतिरोपित कर दिया जाता है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरोधियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं। यानी आपके शरीर में यदि कोई बाहरी तत्व प्रवेश कर रहा है उस सिचुएशन में उस बाहरी पदार्थ से लड़ने के लिए आपके शरीर में वह कौन सी पदार्थ पाया जाता है जो उस लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, तो वो होगा बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी को बनने के लिए प्रेरित करता है जिससे बाहरी तत्व जो प्रवेश करता है उनसे आपके शरीर की रक्षा की जा सके। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 97 से 120 क्वेश्चन तक का एक सेट लगाया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।